हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग, जहां पर हम सीखते हैं इंग्लिश लर्निंग। सो गाइस, मेरा नाम है गोलू। आज मैं क्लास लाया हूं डाउट, कैन और कुड में क्या डाउट है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज जो भी आपका डाउट है, आज की क्लास देखने पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है कैन और ये लिखा है कुड। तो पहले हम कैन के बारे में जानेंगे, देन हम इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई ये कैन है क्या, इसका हम यूज कहाँ कब और कैसे भाई करते हैं। जब ये पता रहेगा तो हमें इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश को सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, सबसे पहले हमें जानना है किसके लिए यूज करना है, क्षमता। कैन का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं क्षमता और कैपेसिटी को बताने के लिए। किसके लिए, क्षमता और कैपेसिटी यानी एबिलिटी यानी योग्यता को बताने के लिए हम यूज करते हैं भाई क्या कहें। तो अब आपका डाउट क्लियर, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्षमता और कैपेसिटी को बताने के लिए। जैसे मैंने बोला भाई मैं इलाहाबाद में आ रहा था, तभी वहाँ पे दो कोचिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे। तो मेरा दोस्त भी मिला, उसने कहा भाई मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आपने उसको क्या बताया कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, भाई आपका क्षमता है, तभी आपको आपने उसको बताया। तो कैसी सेंटेंस को बनाना है भाई, आपको कुछ करना नहीं है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं आई, उसके बाद ये क्या है कैन, इस पार्ट को उतार दीजिए आई कैन। अब आपका एक्शन क्या है भाई, स्पीक इंग्लिश, स्पीक बोलना। एक्शन क्या आपका क्या है, अब आपका जो भी एक्शन है आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हुआ आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बन गया भाई आई कैन, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये क्या है भाई। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है यानी एबिलिटी है यानी क्षमता है, तो आप भाई कुछ भी कर सकते हो। तब यहाँ पर यूज करोगे कैन, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन क्या बनाओगे, आई कैन, उसके बाद आपका जो भी एक्शन है, क्या एक्शन है आपका, मैं पढ़ा सकता हूँ आई कैन टीच, ये होगा आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं नौकरी पा सकता हूँ आई कैन गेट अ जॉब, जो भी आपका एक्शन है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, कैसे बताओगे आई कैन अर्न मनी। तो गाइस, ऐसे ही आपको कैन यूज करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान लेसन यही है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो टू संगम, आई कैन अर्न मनी, आई कैन सॉल्व पजल, ऐसे ही आज आपको बनाना है। यहाँ पे फिर हमने सेंटेंस बनाया है यू कैन स्विम, एक मित्र उसने कहा भाई आज चलते हैं रिवर साइड, देखते हैं कौन तैर लेता है, उसने कहा भाई मैं तैर सकता हूँ, तो हमने उनसे कहा हाँ करेक्ट, ये भाई आप तैर सकते हो, तो कैसे बनाओगे यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो, ऐसे बनाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है आई कांट, जैसे मान लीजिए मैं नहीं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तब कैसे बनाओगे भाई, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तब कैसे बताओगे आई, इसके बाद क्या कैन नॉट, क्या लगाओगे, हमने यहाँ पर लगाया ना आई कैन नॉट या फिर आई कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, आई कांट स्पीक इंग्लिश, क्या बताओगे भाई आई, उसके बाद क्या लगाओगे आई कांट, उसके बाद आपका जो भी एक्शन है आपको यूज करना है, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट गेट अ जॉब, आई कांट लर्न शॉर्ट हैंड, आई कांट राइट शॉर्ट हैंड, ऐसे गाइस आपको बनाना है, बहुत ही आसान है। मैं नहीं दौड़ सकता आई कांट रन, मैं दौड़ सकता हूँ आई कैन रन, ऐसे बनाना है। तो गाइस, अगर आपको इंटरोगेटिव या फिर सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, तो आपको कैन को पहले लाना है। जैसे आप हमसे पूछे क्या आप पढ़ा सकते हैं, कैसे पूछेंगे क्या आप पढ़ा सकते हैं, यही पूछोगे कैन यू टीच, कैन यू टीच, यस आई कैन टीच, नहीं पढ़ा सकता हूँ आई कैन नॉट, तब क्या बताओगे आई कैन टीच, ऐसे गाइस आपको बोलना है। यहाँ पे लिखा है यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो, ठीक है, उसके बाद कैन यू प्ले, क्या आप खेल सकते हो, क्या आप खेल सकते हो, ये हुआ क्या आप खेल सकते हो, क्या आप खेल सकते, ठीक है सकते हो, ये होगा क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो, कैन यू प्ले फुटबॉल, ठीक है मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ आई कांट प्ले फुटबॉल, ये होगा वहाँ पास नहीं हो सकता इस साल, यानी यह साल वो पास नहीं हो सकता। तो कैसे आपको बनाना, तीसरे व्यक्ति के लिए अगर आपको बनाना है, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, कैन ही एक्शन, क्या बनाओगे कैन ही एक्शन, वह इस वर्ष पास हो सकता है, क्या बनाओगे ही कैन पास दिस ईयर, नहीं पास हो सकता है ही कांट पास दिस ईयर, ठीक है वह अंग्रेजी बोल सकता है ही, ठीक है ही कैन
एक्स्ट्रा ही कैन स्पीक इंग्लिश नहीं बोल सकता है, तो क्या लगा ना, ही कांट, ठीक है, ही कांट एक्शन। ऐसे गाइस आपको तीसरे व्यक्ति के लिए बनाना है। ये तो हुआ भाई कैन। अब हम यूज करते हैं कुड। देखो गाइस ये लिखा है कुड। कुड का हम यूज करते हैं क्षमता और कैपेसिटी, यानी कि पावर को बताने के लिए, किसके लिए, पास्ट में। पास्ट में क्षमता और कैपेसिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कुड। क्या बताना भैया, पास्ट में, पास्ट में क्षमता और कैपेसिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं कुड। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई कुड टीच, एक मित्र उसने कहा भाई अगर मैं चाहता तो मैं नौकरी पा सकता था। कौन सी बात है भाई, पास्ट। कौन सी बात है, पुरानी बात है। मैं नौकरी पा सकता था, अगर मैं चाहता तो मैं पैसे कमा सकता था बट नहीं कमाया। ये कौन सी बातें हैं भाई, पास्ट की बातें हैं। पास्ट में क्षमता और कैपेसिटी अगर आपको बताना है तो कुड भाई आपको यूज करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता था। कैसे बताओगे, आई कुड टीच, मैं पढ़ा सकता था। यहाँ पे लिखा है मैं नौकरी नहीं पा सकता था, आई कुड नॉट गेट अ जॉब, मैं नौकरी नहीं पा सकता था। तो गाइस क्या बनाना है आपको, आई कुड, उसके बाद आपका मैं नौकरी पा सकता था, आई कुड गेट अ जॉब, एक्शन जो भी आपका आपका जो भी एक्शन है वो लिखिए, मैं नौकरी नहीं पा सकता था, तो क्या बनाओगे, आई कुड नॉट एक्शन, ये होगा। ऐसे गाइस आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, और यानी कि सामने वाले से पूछना है क्या आप नौकरी पा सकते थे, तो कैसे पूछेंगे भाई, कुड यू गेट अ जॉब, मैं नौकरी नहीं पा सकता था, आई कुडंट गेट अ जॉब। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, तो कैसे पूछे, कुड यू पढ़ा सकते थे, कुड यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड, क्या बनाओगे, आई कुड एक्शन, आई कुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है कुछ, वी कुड स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, वी कुडंट स्पीक इंग्लिश, ऐसे होगा, मैं नहीं बोल सका, तब क्या बनाओगे, मैं नहीं बोल सका, आई कुडंट, या फिर आई कुड नॉट एक्शन, क्या स्पीक, आई कुडंट स्पीक, इतना होगा, मैं नहीं पढ़ा सकता था, तब क्या होगा, आई कुडंट टीच, मैं शॉर्ट हैंड नहीं लिख सकता था, तो क्या होगा, लिखना, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, एक्शन आपका क्या है, लिखना, सो शॉर्ट हैंड, आई कुडंट राइट शॉर्ट हैंड, ऐसे ही गाइस आपको बनाना है। तो गाइस आपको पता ही हो गया होगा कि कैन क्षमता और कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं, और कुड पास्ट में क्षमता और कैपेसिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं कुड। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।